हेलो दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करना चाहते हो और जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो आपको वहां पर से वाइट स्क्रीन या फिर ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम हैक हो चुका है या फिर हमारे इंस्टाग्राम में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीका बताने वाला हूँ। इन तीनों तरीकों को आप लोग अपने इंस्टाग्राम में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको इस प्रॉब्लम से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेल दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, कई बार हम लोग Instagram को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने व्हाइट स्क्रीन या फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और हम लोग घबरा जाते हैं। तो अब घबराने की कोई जरूरत है नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपके फ़ोन में आप जैसे इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं और आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब आपको पहला सॉल्यूशन आपको क्या करना है वो जानते हैं। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो यहाँ पास से सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पास से सर्च करना है इंस्टाग्राम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पास से इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है और आपको चेक करना है कि जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पास से देख सकते हैं ये अपडेट मांग रहा है, तो मुझे यहाँ पास से अपडेट करने की ज़रूरत है और मैं यहाँ पास से जैसे ही इसे अपडेट कर लेता हूँ तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे नए अपडेट आते हैं जिसकी वजह से जो हमारा इंस्टाग्राम पे अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इसकी वजह से जो आपका इंस्टाग्राम है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। इसलिए जो पहला सॉल्यूशन है, आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने दूसरा तरीका। अगर आपका पहला तरीका काम नहीं करता है, अगर आपने पहला तरीका कर लिया उसके बाद भी अगर आपका इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है वो जानते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर से अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को खोज लेना है, फाइंड कर लेना है। इसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम पे 2 से 3 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है और यहाँ पर से आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाता है। तो ये देख लीजिए, ऐप इन्फो का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर से आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके कुछ आपको इंटरफेस शो होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर याद से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर से जैसे आप ऐप इन्फो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर से इंस्टाग्राम का कुछ बायोडाटा आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्लियर डेटा, तो सबसे पहले आपको क्लियर कैचे कर लेना है। तो यहाँ पर से फ़ायदा देखिए, अभी 798 MB का स्टोरेज है और ये देखिए 495 MB हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे डेटा है वो यहाँ पर से क्लियर हो जाती हैं, तो हमारा जो इंस्टा है काफ़ी अच्छे से वर्क करने लग जाता है। अगर ये भी काम नहीं किया तो यहाँ पर से अब आपको एक ऑप्शन शो होगा क्लियर ऑल डेटा, तो अब आपको यहाँ पर से क्लियर ऑल डेटा करना पड़ेगा। इससे आपके जो फाइल्स हैं, सेटिंग्स हैं, अकाउंट हैं, जो डेटाबेस है, वो सब कुछ यहाँ पर से थोड़े टाइम के लिए डिलीट हो जाता है। और इसके बाद आप लोग जैसे अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करोगे और आपके लॉगिन करने के बाद जो इंस्टाग्राम है प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। बट याद रखिए दोस्तों, आप लोग क्लियर ऑल डेटा करने के पहले आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड ध्यान से कहीं लिख के रख लेना है, क्योंकि आप लोग क्लियर और डेटा करने के बाद जो आपका इंस्टाग्राम है वो ओपन होने के लिए आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी मांगेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर से बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग क्लियर ऑल डेटा करोगे तो आपको यहाँ पर से अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड ध्यान से याद रख लेना है। लेकिन अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल चुके हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे उसको वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, वो दूसरा तरीका है। दोस्तों, अगर आप लोग दूसरा तरीका का यूज़ कर लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड तरीका है, अगर ये भी आपके फोन में काम नहीं करता है, आपके इंस्टाग्राम पे काम नहीं करता है, तो अब मैं आपको जो तीसरा तरीका बताने वाला हूं वो एकदम 100% वर्क करेगा। वैसे दोनों तरीकों से काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो चुकी होगी और इस वीडियो को लाइक करके चले भी गए होंगे। लेकिन अगर आप लोग दोनों तरीका यूज़ कर लिए हो, इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब इसके लिए आपको करना क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर से क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है
और आपको क्रोम ब्राउजर में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। कैसे करना है चलिए ये भी जान लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर से सर्च करना है इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर से हम सर्च कर लेते हैं instagram.com, यह आपको सर्च करना है यहाँ पर से, देख लीजिए यह आपको यहाँ पर से सर्च कर लेना है instagram.com। तो यहाँ पर से हमने सिंपली से सर्च कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर से अब आ चुका है लॉगिन। तो अब आपको यहाँ पर से लॉगिन करना है। जिस भी इंस्टाग्राम की आईडी पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पर से यूज़र आईडी और पासवर्ड आप इतना एंटर कीजिए, इसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया है और इस तरीके से आपको यहाँ पर से एंटर कर लेना है। और मैंने आपको बता दिया है कि पासवर्ड याद नहीं है तो कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो अपना इंस्टाग्राम पे वो क्रोम ब्राउज़र में आप यहाँ पर से ओपन कर लोगे। तो यहाँ पर से क्रोम ब्राउज़र में मेरा जो इंस्टाग्राम है वो ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पर से अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं जैसा आपको बताऊंगा आपको वैसा ही फॉलो करना है। ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन शो कर रहा हूँ, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है, हेल्प के नीचे आपको मिल रहा है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। तो अब आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। अब आपके जो भी मोबाइल पे प्रॉब्लम चल रही है आपके इंस्टाग्राम पे, आपको यहाँ पर से इसे एंटर कर लेना है। हेलो सर, माय इंस्टाग्राम इज़ नॉट प्रॉपर वर्किंग एंड वाइट स्क्रीन एंड ब्लैक स्क्रीन करके आप इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हो, 2 से 3 लाइंस आप लिख लेना। अगर आपको इंग्लिश लिखने नहीं आ रही है तो आप लोग गूगल में जाके गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर से लिख के सेंड रिपोर्ट पर आपको यहाँ पर से क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से क्लिक कर लोगे तो अब आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अगर आपके इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम चल रही है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों तीनों तरीका का यूज़ करने के बाद अब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो आपका इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हुई या नहीं। मिलते हैं दोस्तों कुछ अगले न्यू वीडियोस में, और साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।